तो सवाल देखो, कुछ ऐसा है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसे फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी यू एट राइट एंगल्स टू द स्लोप। तो जैसे कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा इस किस्म का अगर सिनेरियो हो या ऐसा कुछ, ठीक है, कभी भी अगर इस किस्म का अगर सिनेरियो अगर हो कि वेलोसिटी मान लेते हैं जब तुम लॉन्च कर रहे हो प्रोजेक्टाइल को तब कैसा परपेंडिकुलर है टू इंक्लाइन, इसका मतलब क्या होता है? एट द मोमेंट ऑफ लॉन्च वेलोसिटी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है ऐसा, ठीक है, ये उसका मतलब होता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये अगर तुम्हारा इंक्लाइन है, समझेगा, ये मान लेते हैं तुम लोगों का इंक्लाइन है, तो उसमें अगर तुम मान लेते हैं ऐसा, अगर तुम्हारा प्रोजेक्शन की अगर ये वाली वेलोसिटी अगर रही, इसका मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ लॉन्च हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, या फिर कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, इज जीरो। ये बात ध्यान में रखना, वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन इज जीरो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का तुम ध्यान रखोगे, ठीक है बात। ये इस डायरेक्शन में, ये क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इज जीरो, ऐसा, समझ गए? जैसे ऐसा ही तुम्हारे पास दूसरा सीन कब हो सकता है, जैसे मान लेते हैं अगर तुमने ये, अगर तुम्हारा इंक्लाइन है और उसमें मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल तुमने लॉन्च किया और वो ऐसा आकर लैंड कर रहा है ऐसा 90 डिग्री पर, इसका मतलब क्या है, एट द मोमेंट ऑफ हिटिंग द प्रोजेक्टाइल उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तुम्हारा जीरो है ऐसा, अलोंग द इंक्लाइन वाला जो कंपोनेंट है वो तुम्हारा जीरो है, इस बात का ध्यान रखना, ये ऐसा अगर तुमने लॉन्च कर किया, ठीक है, क्लियर है बात? इसमें अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो पहले पूछ लो उस चीज को, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन इज जीरो, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है बात, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बात। अच्छा अब सवाल पर आते हैं, सवाल अगेन इंक्लाइंड प्लेन पर एक प्रोजेक्टाइल के फायर किए जाने का है, हमें रेंज पूछी गई है हम लोगों से, अच्छी बात है भाई, चलो फिर रेंज निकालते हैं, एक बार ट्राई करते हैं रेंज कैसी आएगी क्या आएगी करके, ठीक है। तो इस सवाल में मैं दोनों तरीकों से कर सकता हूं काम को, एक तो पहला ये अप्रोच नंबर वन, सवाल क्या क्लियर है क्या तुम लोगों को, मामला कैसा है, सवाल मैं एक बार दोहरा देता हूँ, यार देखो ये इंक्लाइन है, ठीक है, ये ऐसा थीटा, और इसमें जो लॉन्चिंग एंगल है वो कैसा है तुम्हारा, 90 डिग्री पर है ऐसा, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा आके टपकेगा ये यहाँ पर कहीं, तो ये रेंज बेसिकली अपने को निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। यू अपने पास इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और जी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है अपने पास, ये जी है ऐसा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अप्रोच नंबर वन से देखो इसको कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ ऐसा हाई पॉइंट कुछ भी नहीं है। तुम क्या कर लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी ऐसी रख लेते हैं अपन, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस का अपन ओरिजिन चूज करते हैं ऐसा, इसको रख लेते हैं एक्स, इसको रख लेते हैं वाई, ऐसा, याद है ना एक डिस्कशन हमने किया था जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिजोल्व कर रहे थे, समझे, अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ऐसा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, देखो तुम्हारे पास अलोंग द इंक्लाइन होता है हमेशा, ठीक है, साइन वाला कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमेशा कोसाइन वाला कंपोनेंट ऐसा, ठीक है, ऐसा, क्लियर है? ये जी है ना, इसको मैंने रिजोल्व किया, देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास थीटा ऐसा, समझे, जी को मैंने रिजोल्व किया और कुछ नहीं, ठीक है, कैसे रिजोल्व किया देखो, ये देखो ऐसा, ऐसे रिजोल्व किया, ध्यान से देखोगे, जैसे ये जी है, समझे, एक होगा नॉर्मल टू इंक्लाइन, एक होगा अलोंग द इंक्लाइन, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, थीटा, अब समझ गए, ये वाला हो जाएगा तुम्हारे पास कंपोनेंट जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारे पास जी साइन थीटा, क्लियर है बात, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, अलोंग द इंक्लाइन आता है जी साइन थीटा ऐसा, ये सब हटा लेते हैं हम। अच्छा जी को तो रिजोल्व कर लिया, अब इसमें अलोंग द इंक्लाइन तुम देख रहे हो, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, ये क्या है एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसमें दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, समझ आएगा। अभी एक्स और वाई डायरेक्शन तो तुम्हें क्लियर है ही कैसा क्या मामला है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कैसा है देखो, खाली ऐसा है, ये ऐसा है, ये यू है, ठीक है। उसका एक्स कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, लेकिन एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन है, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज, वो अलोंग द इंक्लाइन वो बढ़ क्यों रहा है, बढ़ ही क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ठीक है ऐसा। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में तुम्हारे पास क्या क्या काम है, ये हो गया अप्रोच वन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में तुम्हारे पास क्या क्या काम होगा देखो, एक्स डायरेक्शन में ठीक है क्या काम रहेगा देखो तुम्हारे पास, अलोंग द इंक्लाइन यही है ना, एक्स डायरेक्शन तुम्हारी क्या है, अलोंग द इंक्लाइन को तुमने एक्स डायरेक्शन बोला है ना, अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को तुमने वाई डायरेक्शन बोला है, ठीक है। ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है उसी में ज्यादा घुचपुच हो गया है तो मैं उसको थोड़ा अलग से बना देता हूँ, यहाँ देखो उसको थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसा बना देता हूँ ऐसा, किताबों में भी तुम्हें यही वाला नोटेशन यूज होता हुआ मिलेगा, समझ गए। ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ठहरी, ठीक है। अच्छा ध्यान में रखना, वीडियो अगर तुम वापस से अगर नहीं देखोगे चीजों का, पीडीएफ देखोगे अगर तो समझ रहे हो, वो मुझे समझ में आएगा क्योंकि मेरे नोट्स हैं वो, तुम्हें कैसे समझ में आएगा, किसी और के नोट्स एक्चुअली कभी समझ में नहीं आते, समझे, कभी नहीं आ ही नहीं सकते, उस इंसान ने क्या अपनी सोच समझ से क्या कैसा लिखा है, ठीक है क्या, वो तो वही जानेगा। एनीवेज तो अब यहां देखो एक्स डायरेक्शन में यानी अलोंग द इंक्लाइन तुम्हारे पास वेलोसिटी तो है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, है कि नहीं, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी कैसी है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अच्छा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ है नहीं और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये देखो ये वाला, ठीक है जी साइन थीटा। तो फटाफट लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जी साइन थीटा, ऐसा। इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में देखो अपने पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है ये क्या हो गया अलोंग द इंक्लाइन, ये चीज क्या है, ये वाला डायरेक्शन क्या है अलोंग द इंक्लाइन, ये वाला डायरेक्शन क्या है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है बात ऐसा। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, इन वाई डायरेक्शन तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी तुमको यू, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा तुमको पीछे की तरफ है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यू वाई इज वॉट यू, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज वॉट माइनस जी कॉस थीटा, याद आ रहा है छोटी क्लासेस में भी हम लोग ऐसे लिख लेते, पहले वेरिएबल्स को हमेशा लिख लेते थे, देखो वेरिएबल्स को लिख लेते थे, साइन के साथ लिखते थे वेरिएबल्स को, और उसके बाद फिर प्रॉपर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, उसमें वेरिएबल्स को साइन के साथ एंट्री करवाते थे, ये भी तो वही है, सेम है, क्लास नाइन थी तो पढ़ रहे हो अभी, कोई ऐसा कुछ ऐसा इजाफा नहीं हुआ है, बस इंक्लाइन आ गई है और दो मोशन में लिख, दो डायरेक्शन में लिख रहे हो वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्या कर रहे। तो वाई डायरेक्शन से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, वाई डायरेक्शन गिव्स अस टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे, इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारे पास यू और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा, ऐसे केस में हमेशा मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली लिखना सिखाया तुम्हें, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन जो कि पीछे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। इस चीज को तुम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उसमें जीरो करके समझे गए कितना आ जाएगा, वो ये चीज तो पता है ना कैसे करते हैं, ये तो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई अगर एक इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन अगर a है, तो कितने टाइम के बाद वो पार्टिकल वापस आ जाएगा, कितने टाइम के बाद आ जाएगा वो पार्टिकल वापस, ठीक है। कैपिटल T इज वॉट टू यू बाय a, इस चीज को मैं हमेशा लिखता हूँ, और जो मैक्सिमम दूरी जितना वो गया h, वो h कितना होगा, हमेशा मैंने इस चीज को बताया u स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले हैं, ये अपने फॉर्मूले हैं जिसको अभी तक के मैं 25 बार लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने पास, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को एंट्री अपन कहाँ दिलवा देंगे, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को तुम घुसाओ यहाँ पर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इधर ले आओ, समझे गए। तो रेंज कितनी हो जाएगी देखो,
रेंज एक्सेलरेटेड है तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे टी को तुम यहां पर पुटअप करोगे, यूटी तो गया जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखो, ए टी स्क्वायर ऐसा कितना आ रहा है, देखो रेंज कितना आ रही है, फिर रेंज आ जाती है मेरे पास जी साइन थीटा बाय टू फोर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ये आती है अपने पास रेंज। जी को कैंसिल ऑफ करो, टू को कैंसिल ऑफ करो, कितना आ रहा है देखो टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है ये आता है अपने पास। ये हम लोगों का आंसर आ रहा है। इसका आंसर मैं एक बार टैली कर लेता हूं, जो मेरे पास जो आंसर लिखा है उससे, मेरे पास आंसर लिखा है टू यू स्क्वायर बाय जी साइन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, तो वही है, ठीक है। ये हो गई अप्रोच वन। इसमें अगर किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले पहले, ये हो जाती है अप्रोच वन। इसमें अगर तुम कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो। कुछ इसमें अगर तुम बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा काम था, बस मैं तुम्हें एक्चुअल में ये चीज दिखाना चाहता था कि ऐसा वाला सीन जब आए तो ऐसा घबराने का नहीं, ठीक है। ये वाला सीन जब तुम्हारे सामने आए ये ऐसा, ठीक है क्या, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जब तुमको वेलोसिटी दी हुई हो, इसका मतलब क्या है, बस कि अलोंग द इंक्लाइन उसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट इज जीरो, ऐसा, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है क्या, अलोंग द इंक्लाइन नो कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी, ऐसा, समझ गए, बस ये और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है, और कोई बात नहीं। अच्छा अब इसके बाद अप्रोच नंबर टू अपनी कैसी है, वो याद करो, वो टेन थीटा वाली नहीं, लेकिन उसमें अपने पास क्या हुआ करता था, उसमें हमारे पास ये हुआ करता था कि बाद में वो जो अपन जैसे ये वाली अप्रोच जब लगाते थे, जैसे अगर मान लेते हैं अप्रोच नंबर टू को अगर तुम अगर ट्राई आउट अगर करो, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे यहां से अगर किसी ने अगर कुछ अगर फेंका ऐसा और यहां पर अगर वो टपक रहा है, समझ गए, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि ये वाली चीज निकाल लेते थे, ठीक है, कितने हाइट से टपका वो निकालते थे और ये वाला काम कर लेते थे, समझ गए, ऐसी करते थे ना। तो अभी जैसे अगर तुमसे बोला जाए, ये मान लेते हैं U है ऐसा परपेंडिकुलर, समझ गए, ये थीटा हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो U ऐसा है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है तुम्हारे पास, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ गए ऐसा। तो अब देखो इसको वेलोसिटी को तुम कैसे लिख सकते हो, फिर u sin थीटा और ये हो जाएगा u cos of थीटा, दोनों अप्रोच से तुमको मैं करके दिखा रहा हूँ, दोनों से आंसर समान ही आएगा, ठीक है। u cos थीटा हो गया, ये हो गया u का, और मामला कैसा है, नीचे है g, तो नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा है ना वो कितना हो जाएगा, देखो ये मान लेते हैं, इसको बोल लेते हैं y और इसको बोल लेते हैं x, ऐसा, ठीक है मेरी बात। तो अब मेरे को बात बताओ, y की वैल्यू कितनी होगी, नीचे की डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव अगर मानूं, ठीक है क्या, तो कैसे लिखूंगा, देखो u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया y। x कैसे लिखूंगा मैं, x कैन बी रिटन एज u साइन थीटा इंटू t, क्या बोलते हो, ये हो गया x। अब
टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, वाई बाय एक्स, ठीक है, यही शॉर्टकट मेथड है अपना। ऊपर देख रहे हो ना कितना चकल्लस हुआ है तुमको, एक्स डायरेक्शन में काम करो, वाई डायरेक्शन में काम करो, दुनिया भर की मेहनत करो, ये हल जोतने वाला काम है, किसान वाला काम। अपन कैसा जमींदार ठहरे, जब किसान पूरी फसल अपनी काट के जब उसको ऐसा रखा रहेगा ना बाजू में, अपन आएंगे मोटरसाइकिल में, डिग 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 बुलेट में, सब उसकी फसल उठा के ले जाएंगे, समझे क्या, तुरंत। तो ये जमींदारों वाला काम किया करो, समझे क्या। तो यहाँ देखो क्या होता है, टेन थीटा तुम लगाओ, वाई बाय एक्स लगाओ, देखो कितना आएगा, माइनस यू कॉस थीटा टाइम्स टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ऐसा ये काम कर लो, समझ गए। टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो टी को तो पहले कैंसिल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, एक तो हट गया। अब मामला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तो उससे अपने पास टी आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और टी जैसे ही आ गया अपने पास वाई और एक्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है देखो, ये यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू है ना माइनस यू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस जी बाय टू टाइम्स टी कॉस थीटा, इतना आ रहा है, समझ गए। अब इसमें टाइम निकालना है अपने को, तो ये कितना हो गया, यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा यू इक्वल्स टू जी टी बाय टू कॉस थीटा। इससे टाइम आ जाता है अपने पास टू यू बाय जी टी, ठीक है, sec थीटा, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जैसे ही तुम्हारे पास टाइम आ गया है, तुम क्या निकाल सकते हो, x निकाल लो, x की वैल्यू, ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ x, x विल बी व्हाट, x आ जाएगा, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, 2 by 3 होगा, क्या होगा बे, 2 by 3 होगा, है? अरे रुक जा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नहीं 2 u by g होगा ना टाइम, 2 u by g, अरे ये tt बार बार लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, x की वैल्यू है यहाँ देखो u sin theta into t, ठीक है क्या, तो कितना हो जाएगा u sin theta है ना into t, तो वो हो जाएगा 2 u square by g, ये हो जाएगा tan theta, ऐसा, ठीक है, ये हो जाती है x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू अगर आ गई, क्या हो गया भाई, ऊपर का sin square theta का क्या हुआ, कहाँ गया साइन स्क्वायर थीटा, वो तीसरे लाइन में, फर्स्ट लाइन में, ये क्या, ये वाला, अबे साले बुड़बक, ये नहीं दिख रहा तेरे को, ये इधर जाके इधर चिपकेगा तो, हैं किधर, अबे ये बे, इसमें चेपना इसको, समझा, अभी नहीं समझा तेरे को, नहीं, अरे साले u sin square theta plus u cos square theta, u नहीं होगा क्या बे, u cos square theta तो जीरो है ना बे, यार क्या लगता है बे, क्या बड़बड़ा रहा है नींद में, क्या बोल रहा है, क्या जीरो हो गया साले, u cos square theta जीरो है ना, u cos square theta जीरो है, तो अपन इतनी देर से क्या लिख रहे हैं सब, u cos theta क्यों जीरो हो जाएगा बे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक, अबे है पूरा साले रायता फैला दिया तूने कस के एकदम, है इतने अच्छे से मैंने तेरे को प्लेट में सब्जियां अलग अलग सजा के दी थी, और उसके बाद तूने पूरा उसको एकदम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पूरा एक कर दिया पूरा, उसे समझ ही नहीं आ रहा बैगन कहाँ है, रायता कहाँ है, दाल कहाँ है, सब मिक्स हो गया पूरा। खैर एक्स की ये वैल्यू आ चुकी है, अब देखो ट्रायंगल, देखो अपना ट्रायंगल है कुछ यूं, ये एक्स है, दिस इज थीटा, ठीक है, अपने को ये निकालना है आर, समझ गए, आर निकालना है। तो बेस से जब भी तुमको हाइपोटेन्यूज लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आर विल बी इक्वल टू एक्स सेक थीटा, ठीक है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, अबे यार कांड मचेगा इसमें लग रहा है मेरे को, ठीक है ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर, टू यू स्क्वेयर बाय जी टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये चीज कितनी हो जाती है अपने पास, 2u square sin theta sec square theta by g, यही सेम आंसर
अपना अप्रोच नंबर वन से भी आ रहा है, ठीक है बात। यही सेम आंसर हम लोगों का अप्रोच नंबर वन से भी आ रहा था ना, टू यू स्क्वायर बाय जी साइन थीटा सेक्स पर थीटा, यही तो है भैया, टू यू स्क्वायर बाय जी साइन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा इंक्लाइन में। लेकिन ये मेथड मानते हो ना, ये जबरदस्त चीज है, समझ गए, शॉर्टर अप्रोच जो है, कहाँ गया बे, हाँ ये जो है शॉर्टर मेथड, ठीक है। ये बड़ा मस्त चीज है, समझे, काफी मस्त चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, इस पर हम लोग ऑलरेडी दो इलस्ट्रेशंस और कर चुके हैं, ठीक है बातें है?